करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें, जयपुर से है। केंद्र सरकार के 3 नए कानूनों को लेकर चर्चा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रहा आयोजन, तो 3 नए क्रिमिनल रिफॉर्म बिल के बारे में जानकारी दी जाएगी। भारतीय न्याय संहिता 2023 का जिक्र होगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का जिक्र होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे तीनों कानून। तो 3 नए क्रिमिनल रिफॉर्म बिल के बारे में जानकारी, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो केंद्र सरकार के 3 नए कानूनों को लेकर आपको बता दें कि 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे तीनों कानून। एडीजी ट्रेनिंग मालिनी अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता निशित दीक्षित मौजूद रहे, 3 नए क्रिमिनल रिफॉर्म बिल के बारे में जानकारी दी गई। तो 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे तीनों कानून। एडीजी ट्रेनिंग मालिनी अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता निशित दीक्षित सहित अन्य मौजूद रहे, 3 नए क्रिमिनल रिफॉर्म बिल के बारे में जानकारी दी गई। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक जॉइंट इनिशिएटिव है, जिसके माध्यम से हमारे जो मीडिया बंधु हैं उनको इन लॉज के बारे में बारीकियां जो हैं उससे अवगत कराया जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि जब इन तीनों लॉज से हमारे मीडिया बंधु अवगत रहेंगे तो आम जनता जो है उनके माध्यम से आम जनता में भी इसके बारे में अवेयरनेस लानी चाहिए। और किसी तरीके से आज हमने दोनों पर्सपेक्टिव, लीगल पर्सपेक्टिव और जो पुलिस पर्सपेक्टिव है, उसके दोनों एक्सपर्ट्स रखे हुए हैं। एक एडवोकेट हैं जो आगे वो लीगल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे।